हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मेडिकेयर 143। दिस इज बशर नवाज। आज का ये वीडियो उन सभी के लिए हेल्पफुल होने वाला है जो मेडिकल फील्ड में ट्रेनिंग कर रहे हैं। हेलो फ्रेंड, मैं आपके साथ कैनुला के कुछ टिप्स शेयर करना चाहता हूँ। हमने सब काम रेडी किया हुआ है, टोनिकट बांधा हुआ है एंड अब हम जो वेन है उसको फाइंड आउट कर रहे हैं। आप देख सकते हो वेन हमें दिख रही है। जो वेन है उसको पीछे से दबा लेना है ताकि वो हिले ना, और हमें कैनुला की नीडल है वो इसके अंदर इंसर्ट करनी है। और इसके अंदर हमें कैनुला की सारी पूरी नीडल अंदर इंसर्ट नहीं करनी है, थोड़ी सी करनी है और हमें चेक करना है कि ब्लड आ रहा है नहीं आ रहा है। बहुत से लोग जो गलती करते हैं वो ये गलती करते हैं, वो कैनुला को पूरा अंदर तक इंसर्ट कर देते हैं जिसके कारण जो वेन है वो पंचर हो जाती है। वेन का हमें एक उसका एंगल भी देखना होता है। अगर उसमें हल्का सा भी राउंड टाइप में आ गया और हमारी जो हमने नीडल पूरी अंदर तक दी तो वो पंचर हो जाएगी। तो इसलिए हमें सबसे पहले कैनोला को आधा, जो कैनोला की नीडल है उसको आधा अंदर करना है, पूरा नहीं करना है। आधा करने के बाद उसको पीछे से सक करना है, जो नीडल है उसको बाहर आधी बाहर निकालनी है और जो प्लास्टिक का कैथेटर होता है उसको अंदर देना है। फिर हमारा आराम से कैनोला लग जाएगा और ये हमने लगा दिए हैं। शायद ये आपको बहुत अच्छा लगा होगा। बस हमें इसी बात का ध्यान रखना है कि हमें डायरेक्टली पूरा जो नीडल है कैनुला की वो अंदर नहीं जाने देना है, उसको थोड़ा बाहर रखना है और उसके बाद जो नीडल है उसको पीछे खींच लेना है। खींचने के बाद जो प्लास्टिक वाला कैथेटर है उसको स्लोली स्लोली अंदर करना है जिससे हमारा कैनुला आराम से